सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इंतजार खत्म हुआ, जाग उठे हैं विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान। दोस्तों, हम भारतीयों के सफलता की खबर फिर सुनाई दी। करोड़ों भारतवासियों की दुआएं सफल हुई, पर साथ में आई इस खबर ने सबको दहला दिया है कि रोवर प्रज्ञा संदेश नहीं भेज सकता इसरो टीम को। दोस्तों, इन दिनों यह खबर बहुत ही तेज गति के साथ फैल रही है कि पृथ्वी पर संदेश भेजने से एलियंस ने रोक दिया है रोवर प्रज्ञान को। खबर सच है या अफवाह, इस वीडियो में आप समझने पाएंगे। और साथ ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में फर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ रैप्चर टाइम को भी समझने पाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। यीशु मसीह के नाम जय मसीह। पृथ्वी की फसल वह है जो अपने अन्न से हमें ऊर्जा देती। दोस्तों, वो एलियन जो रोवर प्रज्ञान को पृथ्वी में संदेश भेजने से रोक रहे हैं, आखिर चांद पर क्यों बसे हैं, किस प्रकार अपने जीवन को चांद पर चलायमान कर रहे हैं, इन महत्वपूर्ण सवालों को समझने के बाद ही हम फैल रही खबर की सत्यता को जांच सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 17 से 18 पद में एक दर्शन का वर्णन। दोस्तों, यूहन्ना जी ने एक अजीब दर्शन देखा। अजीब दर्शन वह उस समय के लोगों के लिए था, पर आज बढ़ती हुई तकनीक को देखते हुए हम इस दर्शन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। इस दर्शन की चर्चा हम पुनः इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फौज को एकत्र करने वाले अगुए का नाम विनाश का पुत्र है, विनाशक है। यह बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 11 पद में स्पष्ट लिखी। दोस्तों, इस युग में वही शख्सियत विनाश करने वाले लोगों की, विनाश करने वाली सेना की अगुवाई कर सकती है जिसके पास अतिरिक्त ज्ञान। लगातार बढ़ रही तकनीक से वो अधिक शक्तिमान, वर्तमान में बढ़ रही तकनीकों से अधिक शक्तिमान सिर्फ और सिर्फ एलियंस के पास ही। एकमात्र वे ही हैं जो विनाश करने वाले विनाश के पुत्र की सहायता कर सकते। तो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब आज के इस पवित्र दिन में आप प्रभु जी पुनः हमें एक गहरा अध्ययन समझाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि प्रभु जी हम अच्छी तरह इस अध्ययन को समझ सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, कई लोगों का सोचना है कि चांद पर जीवन कैसे बस सकता है, बिना फसल और बिना अन्न के ऊर्जा कैसे प्राप्त हो सकता है। आपको याद होगा एक मूवी आई जिसमें हीरो का रोल ऋतिक रोशन ने किया था। उस मूवी का नाम कोई मिल गया था। दोस्तों, उस मूवी में स्पष्ट चित्रित किया गया था कि एलियंस को ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से भी मिल सकती है। और याद रखें, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर भी आता है। यह सोचना बिल्कुल ही गलत है कि चांद पर एलियंस कैसे निवास करें। चांद पर बसे एलियन पर विजय प्राप्त करने के लिए वे देश जो चांद पर पहुंचने की ताकत रखते हैं पृथ्वी के नीचे छिपकर वो रोबोट बनाएंगे जो आज की आधुनिक तकनीक से ज्यादा बुद्धिमान होगा। उसमें वे सभी शक्तियां भरी जाएंगी जिन शक्तियों के सहारे वो अकेले ही एक बड़ी सेना से युद्ध करने में सक्षम होगा। हमारे आकलन के अनुसार अंत के दिनों में वही एडवांस रोबोट पृथ्वी में भीषण हाहाकार मचाने वाली सेना को एकत्र करेगा। दोस्तों, इस एडवांस रोबोट को कौन सा देश बनाएगा हम नहीं कह सकते, पर धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यह रोबोट मनुष्य की देह में तैयार होगा, क्योंकि इस एडवांस रोबोट में शैतान अपनी आत्मा समाहित करेगा और आत्मा सिर्फ देह में ही प्रवेश कर सकती है। सो शैतान उस देह को अपना घर बनाकर उस एडवांस रोबोट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। आप इस विषय में कुछ भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक मनुष्य जय मसीह लिखकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 16।
for the harvest of the earth is fully ripe. So he who sat on the cloud swung his sickle across the earth. प्रत्येक विश्वासी की आत्मा को ऊर्जा उस फसल से मिलती जो फसल पवित्र आत्मा के संरक्षण में तैयार होती है। जिस फसल का अन्न प्रत्येक विश्वासी की आत्मा को पवित्र आत्मा खिलाता है। दोस्तों, इस फसल के अन्न को हम मनुष्यों की देह देख तो नहीं पाती, पर प्रत्येक देह खुद में बसी आत्मा की शक्ति को अच्छी तरह से महसूस करने पाती है। इसी अद्भुत शक्ति को पहचान कर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में पक चुकी अच्छी फसल की कटनी करेगा। पृथ्वी में पक चुकी अच्छी फसल को काटने का समय संभवतः वह होगा जब विनाश का पुत्र उत्पन्न हो चुका हो। हमसे प्रेम करने वाला प्रेमी प्रभु अपने बच्चों को बचाने की आशा से, भयंकर सताव और भयंकर निराशा से बचाने की आशा से देख रहा होगा कि परमेश्वर के संदेशों को लाने और ले जाने वाले पवित्र स्वर्गदूत इब्राइल जी आएंगे और कटनी का आदेश प्रभु को सुनाएंगे। इस संदेश को प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर पक चुकी फसल को किस प्रकार काटे, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण संदेश को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक सच्चे और खरे व्यक्ति की आत्मा पहले स्वर्ग उठा ली जाएगी ताकि मचने वाले भीषण हाहाकार और भीषण मारकाट, भीषण रक्तपात से उनकी देह सुरक्षित रह सके। जितना कष्ट और दंड उनकी देह को मिलना था वो सताव के समय उनकी देह को मिल चुका होगा। अब उनकी आत्मा और नहीं तड़पेगी, पर प्रभु की देखरेख में उन विश्वासियों की आत्माएँ अनंत विश्राम पाएगी। सुपरमेश्वर की इस योजना को उनका इकलौता पुत्र पूरा करेगा। प्रत्येक सच्चे और सज्जन व्यक्ति की आत्मा को चुने हुए एक स्थान पर एकत्र करेगा और दूसरी तरफ परमेश्वर की सृष्टि को विनाश के हाथों में सौंपने वाला विनाश का पुत्र मनुष्य का नामोनिशान समाप्त करने के लिए उस सेना को एकत्रित करेगा जिस सेना के सिपाही भयंकर आग बरसाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9:18 में लिखे वचन के अनुसार पृथ्वी की एक तिहाई मनुष्यों का नाम निशान मिटा डालेंगे। उन दिनों भयंकर हाहाकार मचेगा, भीषण नरसंहार होगा। दोस्तों, यह युद्ध उन दिनों तक हुए प्रत्येक युद्धों से ज्यादा विकराल होगा। हमारा आकलन इस प्रकार कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14:17। And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. दोस्तों, दर्शन के इस पद में लिखे वचन के अनुसार एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, अर्थात उस समय जब प्रभु यीशु मसीह खुद की देह और अपने पवित्र लहू को ग्रहण करने वाले प्रत्येक देह की उस आत्मा को जो पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए अन्न को खाकर हष्ट पुष्ट है, उन आत्माओं को चुने हुए स्थान में एकत्र कर रहा होगा। जब विनाश का पुत्र पृथ्वी में विनाश का भयंकर तंडव मचाने के लिए सेना एकत्रित कर रहा होगा स्वर्ग के उस मंदिर से, जिस मंदिर से परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत जिब्राइल जी आए थे, यूहन्ना जी एक और स्वर्गदूत को निकलता हुआ देख रहे हैं। वचन में लिखा है उसके पास भी चोखा हंसुआ है, अर्थात उसे भी परमेश्वर ने कटनी करने के लिए ही पृथ्वी पर भेजा है। यह किस प्रकार से किसकी कटनी करेगा हम आगे के पदों में समझने पाएंगे। दोस्तों, एलियंस ने पृथ्वी में रोवर प्रज्ञान को संदेश भेजने से रोक दिया है। या रोवर प्रज्ञान या और विक्रम लैंडर खुद ही थक चांद की सर्दी वाली रात में निष्क्रिय हो चुके हैं। हम अच्छी तरह तो नहीं जानते, और इतना स्पष्ट जानते हैं कि न्यास का पुत्र पृथ्वी में भयंकर हाहाकार एलियंस की सहायता से ही मचाएगा। ये सब कब और किस प्रकार होगा हम आने वाले शुक्रवार अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो हमारे चैनल में लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि स्वयं की आत्मा की शक्ति को अच्छी तरह जांचें। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार भी है या नहीं। आपकी देह प्रभु के निर्दोष देह और उसके पवित्र लहू को ग्रहण करती भी है या नहीं। यदि आपका जवाब नहीं है तो और भी अधिक आत्मिक तैयारियों की ओर
ध्यान दें, स्वयं की आत्मा को प्रभु द्वारा होने वाली कटनी के लिए तैयार कर लें, क्योंकि इस कटनी के बाद वह कटनी होगी जो भयंकर दर्द और भयंकर पीड़ाएं देंगी। मनुष्य मनुष्य में प्राण डालना चाहता है, देह को पुनर्जीवित करके मशहूर वैज्ञानिक बनना चाहता है, पर सच्चाई यह है कि जब तक देह में आत्मा समाहित नहीं होती वो जीवित नहीं हो सकती। सिर्फ परमेश्वर है जो जीवित प्राणी को रच सकता है, पर जिस समय शैतान उस अत्यधिक ऊर्जावान रोबोट में समा जाएगा वो रोबोट जी उठेगा। वैज्ञानिक खुशी में भरकर यह प्रचार करने लगेंगे कि मनुष्य को ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब कर सकता है, उन्हीं जैसे किसी विद्वान पुरुष ने ही आदि में मनुष्य को रचा होगा। ईश्वर तो मात्र कल्पना और कथा कहानी है। दोस्तों, धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर करें। झूठे प्रचार और विनाश के पुत्र का एक नया युग आरंभ होगा। इसी युग में राजाओं का राजा अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासी को अपने पास बुला लेगा। दोस्तों, पुनर्जीवित हुआ विनाश का पुत्र वह सेना एकत्रित करेगा जो पृथ्वी को भयंकर विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दे। इसके बाद वह कटनी होगी, जिस कटनी की तैयारी मंदिर से दोबारा निकले स्वर्गदूत ने प्रारंभ कर दी। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री उसके 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।